इटावा के सैफई ब्लॉक में सैफई रोड पर भाजपा ने खोला कार्यालय। मौके पर पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतने जा रही है। उपचुनाव में सरकार एवं संगठन के लोग मजबूती से लगे हैं। चाचा भतीजे के एक होने से भाजपा पर फर्क नहीं पड़ता। भाजपा संगठन बेस पार्टी है। भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक के सपा छोड़ भाजपा में जाने पर कहा, जब सपा में केवल परिवार के ही लोगों को टिकट मिलना है तो फिर रघुराज जैसे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। हमारे यहाँ आम कार्यकर्ता को सम्मान भी मिलता है और टिकट भी। मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इटावा सैफई रोड पर सैफई मंडल में सैफई से करीब 5 किलोमीटर दूर बांके बिहारी ढाबे पर भाजपा ने अपना चुनाव कार्यालय खोला, जिसमें प्रदेश कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ ही भाजपा के 6 विधायक एवं कई पूर्व मंत्री भी शामिल रहे। पूरे लाव लश्कर से सैफई रोड पर खोला गया भाजपा कार्यालय। हालांकि ढाबे पर खोले गए भाजपा कार्यालय पर लगे होर्डिंग में कहीं भी कार्यालय लिखा हुआ नजर नहीं आया। इस मौके पर पहुंचे प्रदेश कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि मैनपुरी विधानसभा की 5 विधानसभा में से 2 हमारे विधायक हैं, लेकिन सैफई में हमारे मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट हुई। ये सब यहाँ चल रहा है लेकिन किसी ने देखा नहीं। सैफई में हमारे कार्यकर्ताओं में डर और भय का माहौल, अगर हट जाए तो यहाँ कार्यकर्ताओं और वोटरों की कमी नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस चुनाव को बीजेपी कितना महत्वपूर्ण मान रही है, इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि मैनपुरी उपचुनाव में संगठन की ओर से 26 मौजूदा विधायक एवं 12 मंत्री और पूर्व मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उसने अपने दरवाजे पर बैठाला और एक ही बात बोली कि जो भी भाजपा को वोट इसके पहले चमरुआ में मिला था उससे अगर बढ़ के जो वोट मिले वो हमारा वोट जोड़िए, पुराना वोट आपका। और वहां हम लोग 24,000 वोट ज्यादा इस चुनाव में पाए। इस तरह से एक एक गांव में एक एक जगह रणनीति बनाकर के कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोगों ने रामपुर जैसी लोकसभा में मिथक तोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। जहां ये लोग सोचते थे कि रामपुर सीट कभी जीती नहीं जा सकती, उसी तरह मैनपुरी है। मैनपुरी में मुलायम सिंह जी आज नहीं है, और जैसा हमारे मुकेश जी ने कहा कि जो लड़ रहे हैं उनका जीतने का इतिहास नहीं है। निर्विरोध जरूर हो सकते हैं, निर्विरोध हुए, और उसमें हमारे जैसे लोगों का बड़ा तगड़ा रोल था, सबको मालूम। लेकिन जनता के बीच के चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, ना तो वो जनता के बीच के हैं और ना जनता के बीच में जाते हैं और ना जनता के बीच में लोगों से मिलते हैं। हम यहाँ पूरे सैफई में गए हैं, कहीं सुख में दुख में कहीं कोई नहीं आता जाता। एक पत्र पहुंचता है शोक संवेदना का, उसी को लोग अपने व्हाट्सएप में डाल लेते हैं कि ये पत्र आ गया, बाकी कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता। तो जो धरती के नेता थे हम भी सम्मान करते हैं, हम लोगों ने उनके साथ काम किया, राजनीति में रहे। आज वो नहीं है, वो नहीं है कि उनकी विरासत की सीट है, अब कोई दूसरा मुलायम सिंह नहीं हो सकता। इसलिए कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से मजबूती से लगना है और एक एक बूथ में डटना है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कहीं कोई जाचती नहीं होगी, कहीं कोई उनके ठेकेदार पोलिंग के अंदर नहीं घुस पाएंगे। पोलिंग से 100 मीटर दूर वो रहेंगे और जनता जाएगी, निष्पक्ष मतदान करेगी। ऐसी रचना हम लोग रचे हैं और यही व्यवस्था यहाँ पर होगी। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर इस तरह से हो जाए कि एक आदमी बूथ में बैठ जाए और लोगों को पहले धमका दे, कह दे। जैसे अभी कहा गया कि कार्यालय का उद्घाटन होना था, लोगों ने कहा भाई कैसे कार्यालय बनेगा, यहाँ इतने लोग आए हैं। मैं तो साथ देता हूँ यहाँ के साथियों को, हमने बहुत जगह राजनीति में काम किया है, बहुत जगह देखा है, लेकिन यहाँ मुकेश यादव जैसे, अजय यादव जैसे यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता है।